दिल्ली महिला आयोग ने बॉयज लॉकर रूम वाले मामले में नोटिस इश्यू किया था दिल्ली पुलिस को और इंस्टाग्राम को। हमारे नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस ने अब इस मामले में एफआईआर दर्ज करी है और एक लड़का अरेस्ट किया गया है। बाकी जितने लड़के थे जो कि इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, उन सबकी इस वक्त उनके साथ दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनकी पूरी पूछताछ चल रही है। ये वही लड़के हैं जिन्होंने लड़कियों की गैंगरेप करने का प्लान बनाया था, उन लड़कियों की फोटोज इन्होंने सर्कुलेट करी थी और उनके ऊपर बहुत ही अभद्र टिप्पणी करी थी। तो ऐसे लड़के, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे लॉकडाउन चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, ऐसे लड़कों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं आप सबसे अपील करती हूं, अगर आप भी किसी बॉयज लॉकर रूम का या किसी भी ऐसे ग्रुप का पार्ट हैं जिसमें इस तरीके से लड़कियों के खिलाफ कोई भी बात करी जा रही है या उनके खिलाफ कोई भी क्राइम करने का प्लान करा जा रहा है, तो आपको चेतावनी दी जाती है, आप तुरंत अपने आप को ऐसे ग्रुप्स से हटाइए और ऐसे ग्रुप्स को हमें रिपोर्ट कीजिए। आप हमारे को 181 हेल्पलाइन पे कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं ऐसे ग्रुप्स, और साथ में आप हमें हमारी ईमेल आईडी जो कि livingpositive@gmail.com है, इस पर भी आप हमें कॉल करके ऐसे ग्रुप्स के बारे में बता सकते हैं। वो लड़कियां जिन्होंने इस बात को उजागर करा, वो लड़कियां बहुत बहादुर हैं और दिल्ली महिला आयोग उनके पूरी तरीके से साथ है। अगर उनको कोई भी प्रकार की समस्या हो रही है, कोई उनको कोई परेशान कर रहा है, तो वो दिल्ली महिला आयोग को जरूर अप्रोच करें, हम उनका पूरी तरीके से साथ देंगे। साथ में मैं समाज से अपील करती हूं कि ऐसी लड़कियों का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है और ऐसी लड़कियों को साथ देने की जरूरत है।